हेलो दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल फार्मा व्यू में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड एक नए नोटिफिकेशन के बारे में। तो दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को। तो दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सबसे पहले बता दूँ कि आप सभी को मेरा ढेर सारा प्यार और धन्यवाद, क्योंकि दोस्तों मेरे फाइनली 1000 सब्सक्राइबर आज पूरे हो गए हैं। और 1000 सब्सक्राइबर इसलिए पूरे हों क्योंकि आप लोगों ने उस पर प्यार दिखाया और आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया। तो इस चीज़ के लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ, क्योंकि मैं ऐसा कंटेंट बनाता हूँ जो कि आपको पसंद आता है। तो दोस्तों, आज मेरे 1000 सब्सक्राइबर पूरे हो गए हैं, उसके लिए आपको तहे दिल से शुक्रिया करना चाहता हूँ। जितना ही मैं शुक्रिया करूँ वो मेरे लिए बहुत ही कम होगा। तो दोस्तों, आप लोग चैनल पे इतना सपोर्ट करते हैं उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं और जान लेते हैं कि क्या कुछ नोटिफिकेशन है आज के इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आप लोग वीडियो लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि मैं ये भी बताऊंगा कि आप लोग की काउंसलिंग कब से स्टार्ट होने वाली है। तो दोस्तों, वीडियो को स्किप करके मत देखिएगा। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो दोस्तों, क्या कुछ नोटिफिकेशन है, इस चीज़ को सबसे पहले जानने के लिए हमें गूगल पे आना होगा और गूगल पे टाइप करना होगा उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। देखिए, मैं यहाँ पे टाइप करूँगा UPSMFAC। जैसे हम टाइप करते हैं दोस्तों, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी की ऑफिशियल साइट पे यहाँ पे ओपन होके आ जा रही है। अब देखिए, हम इसको ओपन कर लेते हैं और क्लिक कर लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोग देख पा रहे होंगे, आप सबसे पहले जब यहाँ पे व्यूज़ आल न्यूज़ में जब जाओगे, आप देखिए व्यूज़ आल न्यूज़, ठीक है, तो इसको आप क्लिक करोगे। जैसे ही क्लिक करते हो आप देखिए जो दोस्तों, जो सेकेंड नंबर पर जो ऑप्शन आपको दिख रहा होगा, उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी अलाइड काउंसिल हेल्पलाइन नंबर एंड कॉन्टैक्ट डिटेल। तो देखिए, इस वीडियो में बेसिकली मैं क्यों बता रहा हूँ इस चीज़ को, देखिए पहले डाउनलोड कर लेते हैं इसको और जान लेते हैं क्या कुछ है ये। अभी थोड़ा सा टाइम लग रहा है, देखिए डाउनलोड हो गया है, ठीक है। अब ये देखिए आवश्यक सूचना क्या दे रही है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, आप लोग यहाँ पर पढ़ पा रहे होंगे आवश्यक सूचना, ठीक है। दोस्तों, कार्यालय का हेल्पलाइन नंबर 88 00 95 55 46, यानी कि 88 00 95 55 46, जो कि कार्यालय के कार्य दिवसी में 9:30 AM से लेकर 6 PM तक उपलब्ध रहेगा। इस नंबर पर व्हाट्सएप भी उपलब्ध रहेगा। इस नंबर द्वारा संबंधित काउंसिल अधिकारी कर्मचारी संपर्क किया जा सकता है। देखिए, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड जितने भी लाइक इन्फॉर्मेशन वगैरह होते हैं, ठीक है, अब इन्फॉर्मेशन तो हम नहीं कह सकते हैं, क्योंकि इसमें ये नहीं इन्होंने मेंशन किया है कि ये जो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराएंगे वो लाइक उसके थ्रू जो काउंसलिंग हो रहा है उसके नंबर पर, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई भी दिक्कत आ रही है, लाइक फॉर्म से संबंधित दिक्कत आ रही है, ठीक है, कोई भी चीज़ अगर आपको डाउट रह रही है, जो आपको कोई लोग जैसे मैं भी क्लियर नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप लोग क्या करोगे, देखिए इस नंबर द्वारा यहाँ दिखा लिया हुआ है, इस नंबर द्वारा संबंधित काउंसिल अधिकारी कर्मचारी से संपर्क किया जा सकता है। इसके अतिरिक्त काउंसिल के नंबर भी उपलब्ध हैं, देखिए इसके अतिरिक्त काउंसिल के नंबर भी उपलब्ध हैं, जो कि कार्यालय के कार्यदिवसी में 9:30 से 6 PM तक उपलब्ध रहेंगे, यानी कि 9 बजे सुबह से लेकर के 9:30 बजे से 9:30 दिया है दोस्तों, 9:30 सुबह से लेकर के और शाम को 6 PM तक, यानी कि शाम को 6 बजे तक उपलब्ध रहेगा। अगर मेडिकल काउंसिल से किसी से बात करना है तो देखिए आप ये नंबर लगा सकते हो, नर्सिंग काउंसिल से बात करना है तो ये नंबर लगाओगे, डेंटल काउंसिल से बात करना तो ये नंबर लगाओगे, और पैरामेडिकल काउंसिल से बात करना तो आप ये नंबर लगाओगे। मैं आपको एक चीज़ रेकमेंड कर रहा हूँ दोस्तों, देखिए अगर आप लोग पैरामेडिकल काउंसिल में बात करना आपके लोगों के लिए बेसिकली पैरामेडिकल काउंसिल उपयोगी होगा, अगर आपको कोई दिक्कत होगा तो आप जो है इस नंबर पर कॉल कर सकते हो डायरेक्टली, ठीक है। और आपको कोई भी अगर क्वायरीज हैं, कमेंट्स हैं, तो आप लोग उनसे पूछ सकते हो, या तो फिर आप इस नंबर पर कॉल कर सकते हो, ठीक है दोस्तों। तो ये तो हो गई दोस्तों जो नया नोटिफिकेशन आया था, जो महत्वपूर्ण नोटिफिकेशन था। अब हम बात करते हैं, बहुत सारे दोस्त मेरे पास ये कमेंट कर रहे थे कि सर काउंसलिंग जो है कब तक आ रही है, मतलब कब तक करवा रही है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी। अब हम अपने उस टॉपिक पे आते हैं। तो देखिए, जैसे ही हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट पे जाते हैं, ये हम लोग ऑफिशियल वेबसाइट है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी का, तो इसको जैसे आप लोग क्लिक करते हो, देखिए अभी एडमिशन पे अभी कोई भी ऐसा उन्होंने जारी नहीं किया सर्कुलर कि ये लोग कब तक काउंसलिंग करवाएंगे, ठीक है दोस्तों। अब यहाँ पे जैसे आप लोग क्लिक करोगे तो आप लोग देखिए क्या क्या चीज़ें आ रही हैं। अभी भी आप लोग देखो, डाउनलोड मेरिट लिस्ट आ रही है, डाउनलोड प्रोस्पेक्टस आ रही है, ऑनलाइन एप्लीकेशन और एग्जिस्टिंग एप्लीकेशन। तो अभी भी इनके साइट पे कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है। मैं आपको एक चीज़ बता देना चाहता हूँ कि पहले काउंसलिंग नहीं होता है दोस्तों, ठीक है, काउंसलिंग पहले नहीं होता है, पहले जो होता है वो होता है कॉलेज लॉक। तो आप, मैं एक वीडियो प्रेफरेंस दे रहा हूँ, आप लोग उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। जैसे आप लोग मेरा चैनल खोलोगे उत्तर प्रदेश, जैसे आप लोग यहाँ पे आते हो और यूट्यूब पे सर्च करते हो, देखो दोस्तों फार्मा व्यू,
तो सबसे पहले मेरा चैनल आता है दोस्तों, ठीक है। देखिए हमारा चैनल है फार्मा व्यू। जैसे आप लोग क्लिक करते हो तो आपके सामने कुछ वीडियोज आती हैं, तो देखिए आप लोग ये वीडियो जरूर जाके देख लीजिए। क्या काउंसलिंग से पहले करना होगा कॉलेज लॉक? देखिए दोस्तों कॉलेज लॉक आपको करना होगा, ठीक है। अब कॉलेज लॉक जो करना होता है दोस्तों वो कैसे होता है मैंने सारा प्रोसीजर उसमें बता रखा है, तो आप लोग इस वीडियो को जरूर देख लीजिए दोस्तों। उसके बाद मैं आपको इसे बता दूं, आप लोग ये देख लीजिए दोस्तों UPSMFSC एडमिशन 10 जो डॉक्यूमेंट तैयार करने हैं जो रखने हैं आपको, क्योंकि दोस्तों अगर आप लोग डॉक्यूमेंट नहीं तैयार रखोगे तो हो सकता है कि आपका जो है एडमिशन जो है कैंसिल हो सकता है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है, क्योंकि सरकारी जो गवर्नमेंट स्कूल है सॉरी गवर्नमेंट जो कॉलेज है इंस्टीट्यूट है उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी, तो बहुत ही कंसर्न रहती है दोस्तों एडमिशन वगैरह के लेकर के, ठीक है। तो आप लोग जो है डॉक्यूमेंट जरूर सारे रेडी रखना, आप लोग के सारे डॉक्यूमेंट मिल जाएंगे, ठीक है दोस्तों। और बाकी अदर कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है, अदर कोई भी इन्फॉर्मेशन होता है तो मैं दोस्तों आपको वीडियो के थ्रू जरूर बताऊंगा। तब तक के लिए आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को जो नए व्यूअर हैं वो चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को लाइक कर दीजिए, ठीक है दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको इस वीडियो में दी गई जानकारी बहुत ही अच्छी लगी होगी। वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और चैनल को प्लीज़ और प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि उत्तर प्रदेश स्टेट मेडिकल फैकल्टी से रिलेटेड मैं आपको सारे ऐसे कंटेंट प्रोवाइड कराता हूँ जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होती है। तो चलिए दोस्तों मिलेंगे हम ऐसे ही अगले एक और शानदार वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, कीप लर्निंग एंड कीप एक्सप्लोरिंग योरसेल्फ, हैव अ गुड डे, धन्यवाद।